साढ़े पंजाब दे विच लॉकडाउन हजे तक भी खत्म नहीं हो रहा। कारोबार कोई भी नहीं चलन दिया, ना नौकरियां नहीं मिलन दिया, ना कारोबार चलन दिया। दुकान ते खर्चे करने मुश्किल हो गए। जिथे महीने 30 दिन काम करते सीगे, ओ महीने च काम ही साढ़ा 12 दिन रह गया। काम बिल्कुल ही है नहीं इन दिनों, तो असं कहने 10-15 दिन लॉकडाउन होर कर दें। सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, सैनिटाइजर लगाई जा रहे हैं, और बाकी की कर सकते। कोई सरकार वालों मदद नहीं मिली है साढ़े लोग की, इधर जी पंजाब च बैठे हो तो की हाल होगा साढ़े लोग की। साझा मुद्दा देख रहे सारे दर्शकों मेरी वालों सत श्री अकाल। लॉकडाउन 4 दियां नवी गाइडलाइंस आ गई ने जो कि 1 सितंबर तो लागू हुई ने। जिहड़े जिहड़े जिथे जिथे BJP दे सरकार हैगी है उत्थे उत्थे लॉकडाउन खोल दिता गया है, बट पंजाब विच हाले भी जो लॉकडाउन है वह जारी है। ऑड ईवन का प्रोसैस जारी है, लोगों ऑड ईवन के चलते की दिक्कतों का सामना करना पै रहा है, किदा काम विच मैनेज करना पै रहा है, लोगों घर विच समाजिक की दिक्कत आ रही ने, गवर्नमेंट वालों की कमी पेशी आ रही ने, असी जाणांगे लोगों तो। सर इदां जी देखो, करोना करके असी लोग ऑलमोस्ट 5 महीने तो बड़ी वड्डी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मोस्टली बिजनेसमैन दुकानदार, चाहे साड़ी लेबर है चाहे असी खुद हैगे हैं, प्रॉब्लम इन्नी मेजर है कि देखो 3 महीने ऑलमोस्ट बंद रहा। खोलन तो बाद भी तुसी आउट ऑफ पंजाब चले जाओ, सारिया स्टेटा ऑलमोस्ट खुल चुकी हैं 7 दिन लई, ठीक है। तो साढ़े पंजाब दे विच लॉकडाउन हजे तक भी खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं सरकार नहीं चाहती है कि लोग कारोबार कर सकन, की चक्कर है ये लोग, तुसी कन्फर्म ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते साढ़े नालों भी। सैटरडे संडे बंद करन दा कोई मतलब नहीं, जिहड़ा उन्होंने बंद किया हुआ उन्होंने किसी होर वर्किंग डेज बंद कर दें, चाहे मंडे बंद कर दें या ट्यूजडे बंद कर दें, सैटरडे संडे खोलना चाहिए कि वह साडा मेन काम के 2 दिन होंगे है, ठीक है, वह भी तुसी ऑफ कराता। सैकेंडली 6 बजे जो बंद करन दा मतलब है कि जे कोई बंदा प्राइवेट जॉब या कितने जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब करता पे, 6 बजे ऑफिस तो फ्री हुंदा, शॉपां उस वक्त 6 बजे बंद हो जांदी, अगला शॉपिंग कदों करेगा, साडा कस्टमर नूं टाइम की मिलता पाया वा। फिर आउट ऑफ स्टेशन तो कस्टमर नहीं आ रहा, बिजनेस भी सर बड़ियां प्रॉब्लम्स इस टाइम आ रही हैं कि असी लोग अपना सरवाइव नहीं कर रहे। फिर एक किस्तां रेगुलर लग रही हैं, साढ़े स्टाफ परेशान है भी, जिथे महीने 30 दिन काम करते सीगे वो महीने काम ही साढ़ा 12 दिन रह गया, हुण 15 दिन हो गया वा, तो 15 दिन 30 दिन का खर्चा किदा कर लेंगे, साढ़े किराए भी है, साढ़िया सैलरियां भी, बच्चों दियाँ स्कूलों दियाँ बच्चों की फीसा जा रही हैं, सारे पास सर असी कंफर्टेबल नहीं है। मैं नहीं है, किसी भी दुकानदार पूछ लो व्यू यही होंगे कि कारोबार इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। सो तुसी रिक्वेस्ट है कि इन्हू किसी तरीके ने कैप्टन साहब तक पहुँचाओ कि आम बंदे का, मीडियम क्लास स्पेशली बंदे का कुछ सल्यूशन बैटर किया जाए। सर इंप्लाई दी की पूरी पे नहीं दी जा रही, हाफ पे दे रहे हैं, कस्टमर है नहीं है, अगे सेल 15-20 हज़ार की होंगी, सेल रह गई 2-3 हज़ार रुपये की, उन्हें किराए देवे, स्टाफ दे करेंगे जो अपने देखा, बहुत बुरा हाल है इस टाइम काम करता, काम बिल्कुल ही है नहीं इन दिनों, तो असं कहने 10-15 दिन तो लॉकडाउन होर कर दें, जब पूरा वीकलिंग खोलन, संडे भी खोलन, सैटरडे भी खोलन, जब 15 दिन का लॉकडाउन कर लें, सू बर्दाश्त है कि पता हो 15 दिन का लॉकडाउन है होर, जब कंप्लीटली प्रोपर खोलिया जाए, एक टाइम बधाया जाए, किस टाइम टाइम होंगे कस्टमर आंदा उस टाइम दुकाना बधा का टाइम हो जाता। सारे देश में जिते जिते BJP सरकार है उत्थे लॉकडाउन खुलिया हुआ, और पंजाब सरकार के सारे सिस्टम खराब होने करके देख लो कैप्टन सरकार ने की साढ़े किया कि अज की डेट असं भुखे होने की तदाद आ गए, वर्करां नूं तनखाह नहीं दे सकते, आप रोटी नहीं खा सकते, असी माड़े बंदे कित्थे जाइए, दसो कैप्टन साहब की कर सकते हैं असी, तुसीं जे लॉकडाउन खोलते हो तो परेशानी है, नहीं खोलते तो परेशानी है। हुण 5 दिन का लॉकडाउन तुसीं खोलिया, टाइम 6:30 बजे का, जो साडा काम का टाइम हुंदा उदों सानू घर जाना पैंदा, हुण इस तो इलावा असी की कर सकते हैं, बड़ी परेशानी है। सानू टाइम दिता जाए 8 बजे का, और साडे कारोबार च थोड़ी जी राहत आए, और सारा थोड़ा माहौल खोलो, जनता नू जागरूक करो, ना दहशत का माहौल बनाओ कि इन्ने केस आ रहे, इन्ने आ रहे, ठीक है जो प्रॉब्लम हैगी हैगी है, पर इन्ना वधा चढ़ा के ना पेश करो कि लोगों नू दहशत दे विच जीना पै रहा, तो घरों बाहर नहीं निकलिया जा रहा, तो साढ़े काम करते बहुत बुरा असर पै रहा, कस्टमर भी लेट निकलता है, इसलिए बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बिजली के बिलों दियाँ, लेबर नू सैलरियाँ देन दियाँ, बाकी घरेलू मुश्किल बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इस टाइम हालात बहुत अच्छे नहीं है बिजनेस के, इस करके तो थोड़ा टाइम बताया जाए, सैटरडे संडे भी थोड़ा टाइम खोलिया जाए, चाहे 5 बजे तक कर देन, तो थोड़ा बहुत कस्टमर भी बाहर पिंड चो नहीं आ रहा, शहरों के डर पियाद है कि शहरों से प्रॉब्लम ज़्यादा वधी हुई है, इस करके दुकानदार बहुत परेशान है, साढ़े सारे बाजार परेशान है इस बीमारी करके, कोई कस्टमर नहीं आ रहा,
ना बिजली के बिल टाइम सिर दिते जाने ना बैंक की इंस्टालमेंट आप टाइम सिर दे सकते हैं कि कुछ एक बिजनेस न टैक्स देने है, हर चीज़ देनी है। बहुत मुश्किल है बिजनेसमैन वास्ते सर्वे करना जो इदा ही हालात चलते रहे तो ज़्यादा वधिया नहीं दुकानदारा वास्ते रहेगा। सो मेरा मतलब जो नुकसान है इदा कर भरपाई थोड़ा हो जानी है गौरमेंट टैक्स भी जाना मैं देना मैं कोलों देना इनकम टैक्स भी है होर टैक्स है पानी का बिल है बिजली का बिल है हाउस टैक्स है उन्होंने तो पैसे पूरे लेने साढ़े को घट तो लेने किसी ने भाजी काम करने लिए तो बहुत मुश्किल हो पई है बहुत ज़्यादा दिक्कत आई पार वालों घर घर के खर्चे भी चलाने बहुत मुश्किल हो पे है बहुत ही दिक्कत है काम कार है ही कोई नहीं है असं आने इतने अपने अड्डे ला के आराम बह जाते कोई भी कस्टमर कुछ भी नहीं है इस टाइम बिजली के बिल भी सानू भरने पैंदे सरकार वालों भी कुछ सानू सहूलत नहीं है बिजली के बिल घर के खर्चे दुकाना के खर्चे मुंडे के खर्चे सब भरने पैंदे सानू कोई भी नहीं कुछ भी नहीं ना बैंक के अकाउंट च पैसे आए ना कुछ अपने कोलों ही सारा कुछ किया गया है बिजली के बिल भी सानू जरूरी उतारने पे है क्योंकि गर्मी के बच्चों का रहना बहुत मुश्किल है जिहड़ा हुण नवीं जिहड़ी आईआं दिक्कत सानू पहलां तो पिछले हफ्ते तो उन्होंने तीन दिन ही सिर्फ सानू दित्ते तीन दिन के बावजूद उन्होंने 6:30 तक ही सानू अलाउड किया भी 6:30 तक लगाना उस घर के खर्चे भी नहीं पूरे होते बिल्कुल बाकी जिदा बच्चों की फीसा एरा वगैरह स्कूलों फीसा मतलब वो छड़ते नहीं पे और कहते भी फीसा देनिया पैनिया बिजली के बिल एरा वगैरह बहुत दिक्कत मतलब बहुत दिक्कत सामना गुजारा भी मुश्किल होया पाया लॉकडाउन का कोई इन्ना बेनीफिट नहीं है जिन्ना सरकार कह रही है केस फिर बढ़ते जा रहे हैं ये बावजूद भी कोई इन्ना लॉकडाउन के बावजूद इन्ना बेनीफिट नहीं मिल रहा जबकि हूँ जिदा दिल्ली उन्होंने खोल ही रखे फिर भी उस तो बाद भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया खोलन के बावजूद भी हाँ बिल्कुल कंट्रोल कर लिया पंजाब बाकी लॉकडाउन का कोई इन्ना बेनीफिट नहीं मिल रहा फिर भी यह भी चक्कर है ना भी जिदा बाकी स्वीट वाली दुकाना खुलिया ठेके खुले ने शराब के होर दुकाना रेस्टोरेंट खुले ने आवाजाई का ठीक है फर्क थोड़ा पिया पर इन्ना फर्क नहीं पिया काम ही बहुत फर्क पै गया एक तो लॉकडाउन करके लोग जो बहरू आना वह बहुत घट आ रहे एक तो देखते हैं दुकाना दिया खुलियाँ आदि बंद है वापस चले जाते हैं जब पूरी दुकाना खोलन सत्तों दिन दुकाना खोलन टाइम हो पूरा जब पूरा बंद कर दे फिर तो फायदा है नुकसान है बहुत नुकसान है गाहक तो है ही नहीं गा हाँ जी फायदा तो अजय कोई भी नहीं है जी बाकी नुकसान ही नुकसान है सारे मार्केट देख लो वेली है बिल्कुल ना कोई गाहक ना कोई बिल्कुल मार्केट वेली है बह बह के सवेरे आईदा शाम चल जाइए हम घर न्याणे कहते यह चीज़ लियाओ वो चीज़ लियाओ कितों नहीं आख दईए सही दिहाड़ी वेले पै के चली जाइए मैं उ गल कह रहा वा जब अपने खाने वास्ते कुछ नहीं है तो बिजली के बिल कितों देवे अभी हम 4 महीने हो गए बिजली का बिल सारा पेंडिंग चली जा रहा नोटिस आई जा रहे हैं कितों देंगे बिल जब पैसे नहीं है कुछ नहीं साढ़े कोई फैसिलिटी नहीं है कोई इतों तक कोई पूछ नहीं आया हाँ जी तुम है कोई चीज़ चाहिए है कोई राशन चाहिए है कोई चीज़ चाहिए है बिल्कुल जीरो कैप्टन साहब को जोड़े एक्सपर्ट बैठे है वो ज़्यादा बेहतर जानते बाकी अभी तो मार्केट दस सकते हैं कि मार्केट वेली है ना इतने कम हैगा वै पर फिर भी मार्केट बंद है फिर भी लॉकडाउन चल रहे हैं यहाँ तो मार्केट जो बहुत रश हो ना फिर बंदा कहता यार बहुत रश है वह थोड़ा कंट्रोल करो हूँ मार्केट बिल्कुल वेली है फिर भी शनिवार संडे ये सब लॉकडाउन चल रहे हैं ऑड इवन तो जोड़ा ना तो बहुत चलो वधिया नहीं ऑड एक हफ्ता ही ना गया कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई लेकिन जोड़ा मतलब अपना लॉकडाउन तो बाद जी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सानू वो ये है कि उस तो बाद कस्टमर की फुटफॉल जी है ना बिल्कुल ही तकरीबन खत्म हो गई सारी सारी दिहाड़ी वेले बह के तकरीबन चल जाइए जे को गाहक थोड़ा बहुत आया भी थोड़ा अटेंड किया थोड़ी बहुत सेल भी की कोई शक नहीं कि बिल्कुल नहीं हैगी हैगी है लेकिन पिछले क्वार्टर नालों कम वध तो वध 20% सेल है इस तो वध नहीं हैगी उस नाल सानू प्रॉब्लम एक होर आ रही है दुकान के खर्चे कड़ने मुश्किल हो गए साडे जिहड़े वर्कर ने उन्होंने असं पैसे देने करने नहीं दिते जा रहे हुण इन्हों भी क्या कि साडे नाल जिदा एडजस्ट करो यो ही है ना ये बेचारे कर रहे हैं कोई ऐसी गल नहीं मना नहीं करते कहते ठीक है जी थोड़े तो नाल है गए इदा दिया प्रॉब्लम है हूँ अगों जी प्रॉब्लम सानू समझ नहीं आती पी भी की करिए साड़ी जी जे कोई थोड़ा बहुत सेल होंगी है वह स्टॉक घट जाता है स्टॉक घट जाता खर्चा कर लेता है कुछ इन्हों देते कुछ घर के खर्चे हो गए कुछ दुकान के खर्चे हो गए सारे
तो लेकिन हम स्टॉक घट रहा, स्टॉक घटने का मतलब है साडा नुकसान है, सीधी जी गल है। हाँ जे स्टॉक ना घटे जो सा मेनटेन रहे फिर साडा कोई नुकसान नहीं, ये नुकसान इस वे सूँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, मतलब थोड़ा नहीं भाजी बहुत परेशानी है लॉकडाउन च, ना अंदर जा सकते ना बाहर निकल सकते हैं, पुलिस वाले बहुत तंग कर रहे सारे तकरीबन इस टाइम तो सबनों यानी कि खर्चा खर्चे का पिया है इस टाइम बहुत औखा भाजी, बहुत औखा निकल रहा इस टाइम। मैं आटो चला रहा ही, आटो का काम है नहीं, जॉब कर रहे हैं जॉब च है नहीं, फैक्ट्रियां तकरीबन बंद पी भाजी। मैं तुम्हें सही दस लॉकडाउन खोलना चाहिए वै, क्योंकि इन्नी देर जनता अंदर नहीं बह सकती, ठीक है जी। कल दिक्कत आएगी फिर लोग सड़कों पर उतरेंगे भाजी, इदा है साढ़े कोई मदद नहीं मिलती भैया, इन्नी बुरा हाल है किस कही कहीं दसो भाई की कर सकते, बहुत बुरा हाल तो इस कारण रोटी पर भी बहुत आफत है, कोई सरकार वालों मदद नहीं मिली है साढ़े लोग की, इदे जी पंजाब बैठे हो तो की हाल होगा साढ़े लोग की, कोई काम काज की बुरा हाल तो देखते पे हो कि हाल बचता, लॉकडाउन से बहुत कड़के ना इना करके ज़्यादा तंग हो गई हैगा, ये हर हफ्ते जी लॉकडाउन ज़्यादा कर दिया, दुकाना दुकाना सारे बंद रहे, यही लोग किराए तो रही था भाव जी, इन्हें करके बुरा हाल ज़्यादा हो गई है साडा। अनलॉक चार नू लैके पेश आ रही दिक्कतों के रिगार्डिंग आ सके लोगों के विचार। मैं अभिनव कैमरामैन चिराग के साझा मुद्दा टीवी।